आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश कौशल विकास कार्यक्रम घोटाले के संबंध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी कार्यवाही पर 18 सितंबर तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने ये भी आदेश दिया कि राज्य अपराध जांच विभाग सीआईडी 18 सितंबर तक नायडू को हिरासत में नहीं ले सकती। नायडू न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को हाई कोर्ट में दोबारा होगी। अदालत कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत के आदेश के खिलाफ नायडू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। स्थानीय अदालत की ओर से तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की नजरबंदी की याचिका खारिज किए जाने के बाद टीडीपी नेता की कानूनी टीम ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की, जिसमें जमानत प्रदान करने और मामला रद्द किए जाने का अनुरोध किया था। स्थानीय अदालत ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जेल में अधिक सुरक्षित रहेंगे क्योंकि घर में नजरबंद रहने के दौरान उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। नायडू के खिलाफ जांच एक ऐसी योजना पर केंद्रित है जिसमें कथित तौर पर कौशल विकास परियोजना के लिए सरकारी धन को फर्जी चालान के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था, जो सेवाओं की डिलीवरी के अनुरूप नहीं थे। अदालत ने चंद्रबाबू नायडू की हाउस कस्टडी याचिका को खारिज कर दिया है। नायडू को करोड़ों रुपए कथित घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। वो अभी न्यायिक हिरासत में राजा महेंद्रवम केंद्रीय कारागार में बंद हैं। नायडू की हाउस कस्टडी मंजूर नहीं की गई है। नायडू का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने सोमवार को खतरे की आशंका का हवाला देते हुए हाउस कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी। पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अदालत ने करोड़ों रुपए के कौशल विकास निगम घोटाले में कथित भूमिका के लिए नायडू को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीआईडी के आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपाधीक्षक एम धनंजयुडू ने बताया था कि गिरफ्तारी गैर जमानती धाराओं में की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2018 में इस घोटाले की शिकायत की थी। मौजूदा सरकार की जांच से पहले GST इंटेलिजेंस विंग और आयकर विभाग भी घोटाले की जांच कर रहे थे। आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने योजना के तहत खर्च किए जाने वाले 371 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए। पूर्व सीएम पर यह भी आरोप है कि कंपनियां बनाकर उन्हें पैसे ट्रांसफर करने से संबंधित दस्तावेज भी नष्ट कर दिए गए। नायडू को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। घोटाले की जांच ईडी द्वारा भी की जा रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।